वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच फ्रेंड्स, आज ड्रामा में हम पोएटिक प्ले की बात करेंगे। बेसिकली पोएटिक प्ले को हम वर्स प्ले भी बोलते हैं, लिरिकल प्ले भी बोलते हैं, क्लोजेट प्ले भी बोलते हैं। आइए, अ पोएटिक प्ले इज लॉन्ग पोएम इन अ ड्रामेटिक फॉर्म। पोएम होता है लेकिन ड्रामेटिक फॉर्म में होता है। इट इज़ बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल स्टेज प्ले, सिंस नॉर्मल प्ले रिक्वायर्स अ थिएटर, स्टेज, एक्टर, ऑडियंस, वेयर एज अ पोएटिक प्ले इज कंप्लीट इन इट सेल्फ। द पोएटिक प्ले कैन बी रेड बाय रेडर एनीवेयर, चाहे वो ड्राइंग रूम हो, स्टडी रूम हो, कहीं भी उसे पढ़ा जा सकता है। लेकिन जो नॉर्मल प्लेस होते हैं उसके लिए एक्टर चाहिए, स्टेज चाहिए, ऑडियंस चाहिए, एटीसे। आगे कह रहा है विदाउट एनी एक्सटर्शन एड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ लिरिकल प्ले और अ क्लोजेड प्ले। इट इज़ नॉर्मली रिटेन इन ब्लैंक वर्स। ये ध्यान रखना है, पोएटिक प्ले जो होता है बेसिकली ब्लैंक वर्स में होता है ऑन सम मिथोलॉजिकल और लिजेंडरी सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है वो मिथोलॉजिकल या लिजेंडरी हो सकता है। द पोएटिक प्लेज वर रिटेन बाई रोमेंटिक एंड विक्टोरियन पोएट्स। बेसिकली जो फेमस ये था पोएटिक प्लेज, वो रोमेंटिक और विक्टोरियन पोएट्स के दौरान था। कुछ हम पोएटिक प्ले की बात करते हैं जिसमें आपको बेसिकली पेबिसली किट्स और जो बॉर्डरर है विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो ध्यान में रखना है। देखिए, रिमोर्स कॉलरीज का है, अ क्रिसमस टेल कॉलरीज का है, द बॉर्डरर्स इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये बॉर्डर, ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, विलियम वर्ड्सवर्थ का। मिस्टेरियस मदर हॉरेस वॉलपोल का है। जो नावेली का है प्लेज ऑफ द पैशंस, द हाउस ऑफ अस्पेन, द बैटल ऑफ हैक्सम, उसके बाद बता रहा है द फॉल ऑफ रॉब्सपियरी, वर्नर, मरीनो फर्लेरियो, सरडानस फॉलस, मैनफ्रेड, हेवन एंड अर्थ, हेवन एंड अर्थ लॉर्ड बैरन, ओथो द ग्रेट, इसको आपको ध्यान में रखना है, ओथो द ग्रेट जॉन किड्स का। द सेंसी या चेंसी इसको पढ़ा जाता है, द चेंसी तो पेबिसेल्ली का, प्रोमिथस अनबाउंड पेबिसेल्ली का, और हेलास भी पेबिसेल्ली का, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ओडियस ओडिपस टायरेनस पेबिसेल्ली का, द लीजेंड ऑफ फ्लोरेंस लेंस हंट का, जूलियन मिटफोर्ड का, रेंजी मिटफोर्ड का। ब्राउनिंग का देख लीजिए, किंग विक्टर एंड किंग चार्ल्स, पिपस पासेस, द रिटर्न ऑफ ड्रूसेस, स्टैटफोर्ड, स्टैटफोर्ड आपको ध्यान रखना है, स्टैटफोर्ड जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग का पोएटिक प्ले है, ध्यान रखना है। क्वीन मैरी यह भी पोएटिक प्ले है अल्फ्रेड टेनिसन का, द फॉल्कन, द कप, द प्रॉमिस ऑफ मे, वैकेट, द फॉरेस्टर्स, सारा का सारा क्या है, टेनिसन का है। रोजामंड एंड द क्वीन मदर स्विनबर्न का है, मेरी स्टार्ट स्विनबर्न का है, अटलांटा इन करियोडॉन स्विनबर्न का है, और अंतिम जो है 35 नंबर का वो है एम्पेडोकल्स ऑन एटना मैथ्यू अर्नोल्ड का, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल एमसीक्यूज का रिलेटेड टू पोएटिक प्ले। अ पोएटिक प्ले इज आल्सो कॉल्ड अ क्लोजेड प्ले। मैंने पहले ही बता दिया कि क्लोजेड प्ले के नाम से भी हम इसे जानते हैं, जो बेसिकली पढ़ने के लिए होता है, परफॉर्म के लिए नहीं होता है। द पोएटिक प्लेस बिकम पॉपुलर इन द, तो अभी मैंने आपको बताया कि रोमांटिक और विक्टोरियन एज में बहुत फेमस हुआ था क्या, पोएटिक प्ले। नेक्स्ट, अ पोएटिक प्ले इज रिटेन इन, तो बता दिया है कि पोएटिक प्ले जो होता है वो ब्लैंक वर्स में लिखा जाता है, तो आपको भूलना नहीं है ब्लैंक वर्स में। हु रोट द पोएटिक प्ले, द सेंची या चेंची, तो ये बेसिकली जो है पी बी सेल्ली का है, किसका है, पी बी सेल्ली का, ठीक है। आगे देखते हैं, नेम द ओनली पोएटिक प्ले रिटेन बाई वर्ड्सवर्थ, द बॉर्डर्स आप नहीं भूलेंगे, सिर्फ एक ही एक पोएटिक प्ले है, वर्स प्ले है, जिसका नाम है बॉर्डरर्स बाय वर्ड्सवर्थ।
The theme of one the cellist poetic plays has been taken from a Greek playwright named the play. तो कह रहा है कि ग्रीक प्लेराइट से लिया गया है उसका थीम, तो उस शैली के उस पोएटिक प्ले का नाम बताना है. तो ऑप्शन में दिया है प्रोमीथस अनबाउंड, द सेंसी द एलास ओडिपस टायरियनस. तो आपको बता दें जो जवाब इसका होगा वो प्रोमीथियस अनबाउंड है. ठीक है, अनबाउंड. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक प्ले इज रिटेन बाय अल्फ्रेड टेनिसन. तो प्रोमिसम मे जो बता रहा है कि वो अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है. ठीक है, अल्फ्रेड टेनिसन द्वारा. नेम द ओनली पोएटिक प्ले दैट जॉन किट्स हैज रिटेन. तो कह रहा है जॉन किट्स का भी और विलियम वर्ड्सवर्थ का भी एक एक है. जॉन किट्स का है ओथो द ग्रेट और विलियम वर्ड्सवर्थ का है बॉर्डरर्स. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. वन ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक प्ले इज नॉट रिटेन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, आई टू फाइंड द प्ले. कह रहा है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा नहीं लिखा गया, उस प्ले को बताइए. तो आपको बता दें कि द बैटल ऑफ हेक्सम क्या है, ये ब्राउनिंग के द्वारा नहीं लिखा गया है. बाकी जो पीपा पास स्टेटफोर्ड और कोलंबस बर्थडे, ये सब क्या है, ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है. क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं फ्रेंड्स. हु इज द एथर ऑफ द पोएटिक प्ले एम्पेडोक्लेस ऑन एटना. तो सबसे लास्ट 35 नंबर पर आपको दिखाया था मैंने, वो है जॉन मैथ्यू अर्नोल्ड का. क्या है, मैथ्यू अर्नोल्ड का. ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड का एम्पेडोक्लेस ऑन एटना. नेक्स्ट नेक्स्ट डन. एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम्पलर CH एंड प्लीज़ लाइक. ओके, थैंक यू.